मियाँ सलाम अलैकुम, मैं संजू नायक बोल रही हूँ। मियाँ रिवाड़ी सांझापुर सरसे वाली रतिया चुंगी फतेहाबाद वाली बुन्ने वाली मियाँ सुनो मेरी बात। ये बंटी जनका मेरा नाम का लायक नहीं है मियाँ। हमने वीडियो भी डाली है ग्रुप में, ये बहुत दिन से मेरे को परेशान करे जा रहा है। सुना हिजड़े वीडियो भी देख ले, मैं एक गलती नहीं हजारों बार माफ करे मेरे पूरे हरियाणा के हिजड़ों को पता है ना, मेरे पंजाबी हिजड़ों ने भी पता है। सुना इसको बहुत बार माफ करे मियाँ, ठीक है ना, मेरा नाम का लायक नहीं है, समझे मेरी बात। मैं इस बंटी जनखे की रीत है ना, आज से ये मेरा पोती चला, मेरी नेहा का नाम मैं, मेरी नेहा मालिक है इस जनखे की। और 29 तारीख का बाद मियाँ है ना, मैं बुन्ने में जाऊंगी और वहीं रहूंगी और वहीं सोऊंगी मियाँ। इसका योग हर एक चीज से, मेरी वृत से, मेरे खेत से, मेरे मकान से, हर एक चीज से मियाँ लादाब है। और मैं ये रीत दे रही हूँ, मेरी सौकड़ा न ले दे दे है ना, ज्योति को दे दे, कोमल को दे दे, कोमल तू ले ले फिर ज्योति को दे दे। हाँ यो लादाब है हर एक चीज से। हाँ मियाँ सरपंचों को अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा राधे राधे। मैं बोल रही हूँ रतिया चुंगी फतेहाबाद वाली सिरसा वाली सांझापुर रेवाड़ी वाली। देखो मियाँ ये काम कोई करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में जब यहाँ आ जाती है गले पे तो इंसान करता है, ठीक है मियाँ। मांगने खाने को दे रखा है बंटी को, और अपने गुरुओं के साथ इतनी इतनी बदतमीजी लग रही है करने के लिए, और सब भाई गुरु भाइयों के साथ ऐसे कर रही है मियाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। मांगने खाने को तेरे को दे रखा है, हिजड़ा बन के मांग खाता सारा कुछ करता, हिजड़पन करता, अपने गुरुओं के दिल में बसता, गुरुओं की जगह अपने दिलों में जगह बनाता है। ऐसे थोड़ी होता है कि ठाके डंडा आपके अत्याचार करना। आप बेटा ये रीत आ गई है, अगर हिजड़ा है तो समझ जाइयो आज से बेटा, तो नेहा के नाम में चेला है ये, जो कि पंचों को मियाँ समझ रहे। जितनी भी माइये हैं सब माइयों को अस्सलाम वालेकुम, मैं ज्योति नायक बात कर रही हूँ, सांझापुर रेवाड़ी वाली सिरसा वाली रतिया चुंगी फतेहाबाद वाली। देखो मियाँ ये हमारी मूर्त बागी हो चुकी हैं, और जितने भी मेरे हरियाणा के माइये हैं और मेरे अपने पंजाब की माइये हैं, दिल्ली शहर की जो माइये हैं, संजू नायक का जो चेला है बंटी, ये अपने बागी हो चुका है मियाँ, कहने सुनने से बाहर है। और कोई भी हिजड़ा हमारा सज्जन मित्र हमारे हरियाणा का कहीं का भी हो मियाँ, हम किसी के घर में इसको देखेंगे, किसी से कोई बातचीत करते देखेंगे मियाँ, तो हमारा कलाम फिर उसी से होगा। ये मत जानना कि अपने नीचे नीचे उंगली लगा दी और अपने भले के भले बने रहे, ठीक है मियाँ। तुम हमारे बागियों को छुएंगे तो हम भी तुम अगलों के बागियों को छूना जानती हैं, ठीक है ना। हमारे अपने पूरा अत्याचार कर रखा, जुल्म कर रखा है हमारे चेले नातियों के साथ। बोलो नाम में है, और संजू नायक का पोती चेला है, ठीक है। अगर बेटा एक भी बधाई उठावे या कोई कलंक करे तो सोच समझ के करियो बेटा, हाथों में चूड़ी नहीं पहन रखी, सारा घर कुटुंबा हम बैठे हुए हैं। अगर कोई बात थी, कोई दिल के अंदर मलाल था तो आपके घर भैयों को बताता, कोई बात थी, कोई चीत थी तो। और आज से बेटा नेहा के नाम में संजू नायक का पोती चेला है, ठीक है ना। पंचों को मियाँ समझ रहे मियाँ। मैं बोल रही हूँ कमलेश नायक शिक्षा सांझापुर रेवाड़ी से। सुनो मियाँ, ये बंटी संजू के नाम में चेला था, हैं इसको मांगने खाने के लिए इलाका दिया गया है, साथ में दिया गया नेहा को, और दो चेले मेरे और बैठे क्या नाम जस्सी बैठी है वहाँ, पिंकी बैठी है वहाँ, वो बेचारे कुछ भी नहीं तंग करते। इसने नेहा के इलाके में ढोलक लगा दी, नेहा के इलाके में ढोलक लगाने का इसका मतलब क्या था, बराबर का गुरु भाई था तो बराबर बसाता उसको, है उसका इलाका मांगने लगा। ये तो मियाँ सरासर गुंडा करती है, है। और वो ये हिजड़ों के सामने कहता है, दुनियादारों के सामने कहता है भाई जिस दिन संजू मर जाएगा मैं सर से में सारे उसके चेलों को और सौकड़ों को सबको मिटा दूंगा। ये तो मियाँ सरासर गुंडा करती है। और बंटी अब भी क्या तेरा टाइम है बेटा, तू अब भी सुधर जा, सुधर जाएगा तो बहुत ठीक रहेगा। लेकिन है ना, जब संजू अपने वाड़ी पे आगी ना, ये सोच ले आगा तेरा पीछा मारा, आगा तेरा पीछा मारा है, लेकिन तू भाजा नजर नहीं आओगा राधे। हाँ ये 29 तारीख तक चुप है, और हमने 29 तारीख तक इसको चुप रखा है क्योंकि हमारे घर में जागरण है।
सब पंचों माइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही हूँ कोमल नायक सिरसा सांझापुर रेवाड़ी वाली। हाँ जी, ये मेरे संजू गुरु भाई ने जो काम किया है बहुत परेशान होके किया है। सब ही जुड़ों ने वीडियो देखी है, कैसे कैसे वीडियो बोल रहा है। जो उसकी खुशी है वही हमारी खुशी, हमारे को शरण है। ये नेहा ऐसे के नाम थोड़ी होता है गुरुओं के साथ करना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, इतनी गुंडागर्दी है, मालकों की शान में गुस्ताखी करनी है, मालकों को अच्छा माड़ा बोलना, ये कौन सी किताब में लिखा है? खुली खुली धमकियां देनी है, खुले खुले नाम लेने है, इतनी तू बदतमीजिया करता है, तेरी बदतमीजिया देखा उन्हें आवांगी। अब तुम्हारा मर्डर करियो, कौन सा मर्डर करेगा तू? तेरी देखनी गुंडागर्दी अपनी बार मुंह में गालन हो रहा सबको। क्यों के लग रहा है तू सबका? क्यों खड़ा खड़ा नाम ले? क्यों इतनी बदतमीजिया करता है? शर्म नहीं आती है? मांगने खाड़े को इलाका दे दिया गुरु ने, है हदबंदी में रहता, कभी उसकी बधाई चकली नेहा की, कभी जस्सी की बधाई चकली, चेला है तू सबका। अब तेरी रीत बट गई है, अब भी हिजड़ा होगा कहीं से भी अगर माड़ा मोटा, तो अब भी इस रीत पे सुधर जाएगा, मालकों से पैर पकड़ेगा, माफी मांगेगा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। नेहा का जतन बेटा बहुत बहुत हो रहे तेरे जतन, ऐसे के न जाने कैसे वाले माइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही हूँ संजू नायक की चेला जस्सी लूने वाली है, विभानजी चौध। तू मेरे को भानजी चौध कह रहे, तू महाभानजी चौध कच्चे। अरे तो मेरी भानजी मर तेरी भानजी में क्या फर्क करे? गंडवे ढेर है तू मेरे को कह रहे भानजी चौध जस्सी, तू महाभानजी चौध साले कुत्ते दल्ले समझ जा, अभी भी हिगड़ा बन जा। ठीक है तने देखूंगी बेटा तू, मैं भानजी चौध को तने गुंडा कर दी, गुंडा मारिए मारना है। हाँ ठीक है, सबको सनत रही है।